सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग यहाँ पे पता चलेगा कि एवन 400 यूज़ करने से हमारे बीड आती है या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, आप सब ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बताए गए हैं कि एवन 400 से हमारे जो है आती रहती है। पूरा क्लियर आप लोग को बताऊँगा कि एवन 400 में बीड आती है या फिर नहीं। तो आप लोग को वीडियो देखना है लास्ट तक, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर फिट कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एवियन 400 अगर आप लेने जाओगे, काफ़ी मतलब लो प्राइस में रहता है आपको। मतलब यहाँ पे सबसे सस्ती कैप्सूल को माने जाओ तो मतलब बेड उगाने वाले में, तो इसे आप मान सकते हो। और इसमें बेड आती है या फिर नहीं, इसकी कंफर्मेशन मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इसे मैं यूज़ किया हूँ और मुझे यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। तो इसे अधिकतर लोग पेट को खाली करने में या फिर मतलब उसको मोटे करने में मदद मिलती है, ये मैं मानता हूँ दोस्तों। थोड़ा बहुत मोटे करने में मदद मिल सकती है, लेकिन बियर्ड उगाने के लिए ये कैप्सूल नहीं है। एंड आपको बता दूँ, कोई भी अगर इससे आप बियर्ड उगाने चाहते हो, यानी कि आपके पास जीरो बियर्ड है, मतलब है ही नहीं, बियर्ड भी नहीं है, और इससे आप अगर यूज़ करना चाहते हो तो बेकार का आपका पैसा बर्बाद होगा। मैं यहाँ बोलूँगा, पैसा बर्बाद मत करो, उन पैसों को आप सेव करो, ठीक है। अब क्योंकि अब अगर ये सब यूज करोगे तो बियर्ड आएगी नहीं, पैसा बर्बाद होगा। आप कोई अदर प्रोडक्ट में भी भरोसा नहीं करोगे, इससे अच्छा म्यूटेसिल के ऊपर जाओ, 100% बियर्ड ग्रोथ आएगा। और ये जो चैनल मेरा है, आपको यहाँ पे बियर्ड के लिए हर तरह का जानकारी मिलता है, ठीक है। मैं यही बताना चाहता था, इवन 400 अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो नहीं करना दोस्तों, अभी के लिए मत करना। जब आपको ज़रूरत पड़े तो मैं आपको बता दूंगा कि इवन 400 का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। लेकिन बियर्ड उगाने के लिए कैप्सूल बिल्कुल नहीं है, आप यूज़ मत करो, ठीक है।